विश्वविद्यालय परिवार में जगाया है, हम उस पर पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं। जिस शक्ति के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, मैं माननीय महोदया के सामने जरूर बताना चाहूँगा, सर के मार्गदर्शन में ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शाक्त तंत्र पर यहाँ के जो वैदिक अध्ययन विभाग और संस्कृत विभाग है उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, प्रस्तावित है 17 से 19 दिसंबर, जिसमें हमें 40 विदेशी और लगभग 150 राष्ट्रीय स्तर के विद्वजनों का सहयोग प्राप्त होने की आशा है। अब मैं बिना किसी लाग लपेट और विलंब के आमंत्रण देना चाहूँगा वेलेडिक्ट्री एड्रेस के लिए प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश शुक्ला जी को। सृष्ट्वा पुराण विविधान्य जयात्म सक्त्या वृक्षान पशु सरीसृप खगान दंसान तस्मात् अतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोक दिशणम मुदमापदेव। मेधो मंथन की इस पंचदिवसीय कार्यशाला के संपूर्ति सत्र पर साक्षात शक्ति का सानिध्य प्राप्त है, आशीष प्राप्त है। इस रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया, हम सब उनके नाम से परिचित हैं। भारतीय परंपरा जिसको जीवन लक्ष्य के रूप में स्वीकार करती है उसकी आप मूर्तिमान स्वरूप हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यंजानात्। आनंदीबेन पटेल, इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, दर्शन सहित समस्त भारतीय विद्याओं में अप्रतिहत गति है, जिसकी मेरे गुरुकल्प आचार्य यज्ञेश्वर शास्त्री जी, मेरे गुरु से जो मित्रता थी उसको मैं स्मरण कर पा रहा हूं। इस समय विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान अदिति कुमार त्रिपाठी जी, इस सभागार में उपस्थित भारतीय विद्या दर्शन के विविध निकायों के अत्यंत महनीय अध्येतागण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, आचार्यगण, शोध छात्र और भारत का वर्तमान, भारत का भविष्य, शुभाशंसा के पात्र किशोर छात्र छात्राएं, थोड़ी मुझे कठिनाई है। मंच पर जो जो महनीय व्यक्तित्व हैं और सामने मैं श्रोताओं की कतार में जिस प्रकार के अध्येताओं को देख रहा हूं, मेरे लिए संपूर्ति का व्याख्यान कर पाना कठिन है। फिर भी मैं कुछ प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। स्वाभाविक है संपूर्ति के आशीष के रूप में माननीय राज्यपाल महोदया का संदेश प्राप्त होगा और उसके माध्यम से इस विश्वविद्यालय का निश्चय आज क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये प्रश्न जरूर है कि इतिहास है, दर्शन है और बहुत कुछ लेखन हुआ है। भारतीय दर्शन के नाम पर, इंडियन फिलोसफी के नाम पर यदि प्राचीन ग्रंथों को, पांडुलिपियों को खोजने के लिए कैटलॉगर्स कैटेगोलर पर हम बटन दबाते हैं तो हजारों किताबों के नाम आते हैं। हम आज किसी भी सर्च इंजन में जब जाते हैं तो इंडियन फिलोसफी के नाम पर हजारों हजार टाइटल्स के नाम आते हैं। फिर आवश्यकता क्या है राइटिंग इंडियन फिलोसफी इन मॉडर्न पर्सपेक्टिव। वस्तुतः भारतीय दर्शन के अध्ययन अध्यापन की जो परंपरा विकसित हुई वो इतिहास में जीने की परंपरा थी, इतिहास के साथ जीने की परंपरा नहीं थी। और जो समाज, जिस समाज के अध्येता, जिस समाज का चिंतक केवल इतिहास जीवी होता है, इतिहास के साथ नहीं जीता है, वह समाज प्रगति पथ पर पीछे रह जाता है।
भारत की विशिष्टता की बात होती है, आखिर भारत को कैसे पहचाना जाए। दुनिया में विकास के साथ विविध प्रकार की जो अवधारणाएं हैं उनके बीच जो भारत की पहचान है वो भारत की जीवन प्रणाली के कारण से है, भारत के जीवन दर्शन के कारण से है, जिसको एसु धम्मो सनातनो के रूप में, एस धम्म धर्म सनातन के रूप में बार बार समझाने की कोशिश की गई है। अभी तक जो भारतीय दर्शन के लेखन की परंपरा रही है, भारत के प्रति दृष्टिकोण की परंपरा रही, वह एक चैलेंज था, एक आरोप आया पश्चिम से कि भारतीयों के पास धर्म है, वहां धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन। और यह गलती कैसे होती रही है, एक उदाहरण सिर्फ दूंगा। उस गलती का दबाव यह था कि राधा कृष्णन जैसा महान दार्शनिक चिंतक भी जब पूरब और पश्चिम की परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है तो किताब की टाइटल का नाम ही देता है ईस्टर्न रिलीजन वेस्टर्न थॉट। भारत की धर्म परंपरा को राधा कृष्णन भी रिलीजन के रूप में समझने और बताने के लिए मजबूर होते हैं। इस प्रकार का एक बौद्धिक पर्यावरण जो बना है, इसके प्रत्युत्तर का यह सही समय है। दुनिया धर्म के स्वरूप को जानना चाहती है। धर्म और दर्शन के बीच भारतीय परंपरा भेद नहीं करती है। दर्शन धर्म यदि मानव का चरम लक्ष्य है, समम बोनम की प्राप्ति है, सभी प्रकार के मुक्ति का उपक्रम है, सबके विकास की गारंटी है, तो इसका साधन केवल और केवल दार्शनिक चिंतन ही हो सकता है। इस दृष्टि से भारत में दर्शन के लेखन की परंपरा पिछले 200 वर्षों में नहीं प्राप्त होती है। यह परंपरा प्राप्त होती है जिसकी चर्चा मैंने पीछे दो दिनों में की है, दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन निर्देश करूंगा कि जब भारतीय वांग्मयों का एक बड़े अभियान के तहत यूरोप ने ट्रांसलेशन किया और उस ट्रांसलेशन के आधार पर जो दार्शनिक चिंतन विकसित हुआ, जो सिर्फ रैशनलिटी पर आधारित था, भारतीयता रैशनलिटी पर आधारित मात्र चिंतन नहीं है, यह बौद्धिकता का उपयोग अनुभूति के उच्चतम शिखर को प्राप्त करने के लिए करने वाली दार्शनिक प्रणाली है। हमने रैशनलिटी को कितना महत्व दिया ये तो हम बताते हैं, प्रदीप सर्वविद्यानाम उपाय सर्वकर्माणाम आश्रय सर्वधर्माणाम सेयम आन्विक्षिकी मता। यह रैशनलिटी सभी प्रकार के विद्याओं के लिए टॉर्च बेयरर है, यह सभी प्रकार के कर्मों के लिए साधन है और सभी प्रकार के उच्चतर जीवन मूल्यों का आश्रय बनती है। लेकिन वस्तुतः 200 वर्षों के भारतीय दर्शन के इतिहास लेखन और अध्यापन की परंपरा का विचार करें तो भारतीय दर्शन, भारतीय आन्विक्षिकी, भारतीय विचार परंपरा इस दृष्टि से असफल साबित हुई है। श्रेष्ठतम साधनों के होते हुए भी, उत्कृष्टतम विचार के होने के बाद भी, विश्व की श्रेष्ठतम मेधा के ज्ञान का उत्तराधिकारी होने के बाद भी चिंतन परंपरा में वह बात आज दिखाई क्यों नहीं देती। फिर देते हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय दार्शनिक दृष्टि को, भारत की दार्शनिक विचार परंपरा को आत्मसात करके अपने रास्ते जो आगे बढ़ता है उसको दुनिया अनुसरण करती हुई दिखाई देती है। आज भी विवेकानंद का अनुसरण करती हुई दुनिया दिखाई देती है, आज भी गांधी के पथ पर लालायित चलने के लिए लालायित तो दुनिया दिखाई देती है, आज भी दुनिया को इस विकास के मॉडल में दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मानववाद, क्वेश्चन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन क्राइसिस, आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन क्राइसिस, मनुष्य के समक्ष आए हुए सभी संकटों के उत्तर के रूप में दिखाई देता है। ये हो है इसलिए कि इन विचारकों ने अपनी वैचारिकी का निर्माण, अपनी चिंतन पद्धति का निर्माण भारतीय दर्शन की भारतीय भित्ति पर किया है। हमने पॉलिश भारतीय दर्शन की है, लेकिन दीवारें उसका स्ट्रक्चर हमने पाश्चात्य वैचारिकी को बनाया है। मैं सिर्फ कहूंगा इसलिए जरूरत है कि अभी पिछले ही दिनों मन की बात करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी,
फिलॉसफी यूनाइट्स, आइडियोलॉजी डिवाइड्स, दर्शन जोड़ता है और विचारधाराएं तोड़ती हैं, विभाजित करती हैं। हम जब वसुधैव कुटुंबकम कह सके थे, हम भवेत्य विश्व एक अनीडम कह सके थे, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में हमने देखने की जो कल्पना की थी, इस कल्पना का आधार सर्वात्मवाद था। सर्वात्मवाद से जो सिद्धांत सद्धता हुआ नहीं दिखता है, उसके लिए उसका प्रति स्वरूप हमने विकसित किया था बौद्ध दर्शन के नैरात्म्यवाद में। दोनों ही मनुष्य के अंदर सात्मीकरण की, मनुष्य को एक ही धरातल पर सभी प्रकार के मनुष्यों को बिना जाति भेद के, भाषा भेद के, रंग भेद के, स्तर भेद करके मनुष्य के बारे में विचार करने की प्रणाली है। आज जब हम राइटिंग ऑफ इंडियन फिलोसफी इन मॉडर्न पर्सपेक्टिव कर रहे हैं, ये विभाजन की दुनिया में स्वतंत्रता की जो मांग है, इस विभाजन की दुनिया में जो समानता की मांग है, और इस ससंकित दुनिया में जो बंधुत्व की मांग है, इस मांग को मॉडर्न पर्सपेक्टिव, यूरोपियन मॉडर्न पर्सपेक्टिव, यूरोसेंट्रिक आइडियोलॉजी पूरी नहीं कर सकी है। लेकिन ये पूरी हुए बिना मानवता का कल्याण संभव नहीं है। मानवता के इस कल्याण के लिए भारतीय दर्शनों के पुनर्पाठ और पुनर्लेखन की आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह कोई नया विचार नहीं है, जैसा शास्त्री जी ने कहा, यह तो 1.5 वर्षों से अनवरत अध्येताओं के बीच शास्त्री जी के नेतृत्व में चर्चा के बाद पल्वित हुआ। अब आया, अब बीजारोपण का समय है, अब समारोपण का समय है, अब बीज डाला जाए, बिरवे को रोपा जाए और इसको आकार दिया जाए। इसके लिए 5 दिनों तक मेधो मंथन करने कार्यशाला संपन्न हुई है। स्वाभाविक है कि आज कार्यशाला की संपूर्ति है, लेकिन कार्य के प्रारंभ का भी दिन है। आज के दिन से पुनर्लेखन का औपचारिक शुभारंभ होगा माननीय राज्यपाल महोदया के आशीष से। इसलिए एक नया चैलेंज है। मैं संपूर्ति के सिद्धांतों के अनुसार क्या हुआ, इसकी चर्चा किए बिना क्या होना है, इसकी चर्चा बार बार इसलिए कर रहा हूं कि आज भारत के अंदर और भारत के बाहर भी भारतीय और इतिहास और भारतीय दर्शन, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। भारत में इतिहास और दर्शन को विभेजित करके नहीं देखा गया है। इसको क्यों नहीं देखा गया है, इसका उदाहरण है, हम इतिहास के रूप में रामायण को इतिहास ग्रंथ मानते हैं, लेकिन वो इतिहास ग्रंथ क्या है? वाल्मीकि सबसे पहले ये खोजते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसका कथा कह करके, जिसका चरित्रानुगायन करके मैं धर्म की के सिद्धांतों को लोगों को बता सकूं, और वो भी कौन, बीत गया है वो नहीं, सांप्रतिक काल में मेरे सामने, वाल्मीकि के सामने वह कौन सा व्यक्ति है, इस नाते रामायण की रचना करते हैं। वो राम की प्रशस्ति का, राम की स्तुति का ग्रंथ नहीं है, धर्म के संगायन का है। तो भारतीय परंपरा इतिहास और दर्शन दोनों को साथ साथ लेकर के चलते वाली है। जब इतिहास को साथ लेकर के चलते हैं तो इतिहास के साथ चलते हैं, और जब दर्शन को साथ लेकर के चलते हैं तो भविष्योन्मुखी उदात्त विचारों के साथ चलते हैं। इन दोनों के समन्वय के साथ जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी भी है, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में आज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनका की प्रासंगिकता है सिद्धांततः, उसको व्यवहार के क्षेत्र में अध्ययन के माध्यम से, अध्यापन के माध्यम से किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सके, इसके लिए एक रिसोर्स सामग्री हो सके, एक संदर्भ सामग्री हो सके, आने वाले दिनों में अध्येता उसका उपयोग कर सके, इस प्रकार की एक दीर्घकालिक परियोजना है। परियोजना का काल लंबा है, इसलिए इस अवसर का लाभ मैं भी उठाना चाहूंगा कि कुलपति का कार्यकाल उतना लंबा नहीं होता है जितना इस परियोजना का कार्यकाल चलने वाला है। माननीय राज्यपाल महोदया, ICPR के मेंबर सेक्रेटरी होने के नाते मैं इस परियोजना के भविष्य को लेकर के थोड़ा आशंकित इसीलिए हूं कि इन दोनों के बीच कोई सातत्य होना चाहिए। आने वाले दिनों में भी विश्वविद्यालय का नेतृत्व यज्ञेश्वर शास्त्री जैसे ही किसी व्यक्तित्व के पास हो सके, जो दोनों ही प्रकार की परंपराओं, जो यूरोसेंट्रिसिटी के संकटों से परिचित हो
और जो भारतीयकरण में विश्वास करता हुआ भारतीयता के हार्द से परिचित हो और दृढ़ संकल्प वाला हो, जो 10 वर्ष आगे तक के काम करने की योजना बना सकता हो, ऐसा नेतृत्व इस विश्वविद्यालय को जरूर आपके सानिध्य से प्राप्त होगा, इसका विश्वास है। इस अनुरोध के साथ पुनः जो स्कॉलर इकट्ठे हैं, ये सिर्फ सांची विश्वविद्यालय में चलने वाली परियोजना है, सांची विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद इसको में सहयोगी की भूमिका है, लेकिन यह देश भर के दर्शन के अध्यापकों और अध्येताओं की परियोजना है। यह एक नया चैलेंज है और यह चैलेंज इस देश के लिए है। यह चैलेंज डिकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंडसेट के लिए है, जो भारतीय मानस औपनिवेशिक दृष्टि का शिकार होकर के दृष्टि अंधता को प्राप्त कर गया है, कॉलोनियल ब्लाइंडनेस आ गई है। उस औपनिवेशिक दृष्टांधता से मुक्ति का यह अभियान है। इसमें एक दर्शन के विद्यार्थी, अध्येता और संशोधक के नाते आप सबका आह्वान करते हुए इसमें क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद प्रोफेसर शुक्ला। जो चिंतन आपने